फुलेरा के दामाद जी बनकर छाया हुआ है ये एक्टर। तो सैफ करीना के वेडिंग रिसेप्शन में बना था वेटर। राजस्थान के छोटे से गांव से जुड़ा है नादार, तो बचपन में ही उठ गया था पिता का साया। ओटीटी की दुनिया में इस समय सिर्फ और सिर्फ पंचायत सीरीज के ही चर्चे हो रहे हैं। आखिर अपने दोनों सीजन्स में तो इस सीरीज ने लोगों को खूब एंटरटेन किया ही, तो बीते महीने ही इस सीरीज का थर्ड पार्ट भी डिजिटल वर्ल्ड पर स्ट्रीम हुआ। अपने पहले दोनों सीजन की तरह ये सीजन भी ऑडियंस से प्यार बटोरने में कामयाब रहा। तो नीना गुप्ता और जितेंद्र कुमार स्टारर इस सीरीज के हर किरदार की भी जमकर चर्चा हो रही है। और एक ऐसा ही किरदार रहा पंचायत के दामाद जी का। आखिर फुलेरा गांव के दामाद जी का किरदार निभाने वाले एक्टर ने इस समय हर ओर सुर्खियां जो बटोरी हुई हैं। तो आपको ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि इस एक्टर ने बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और बेबो करीना कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में वेटर का काम किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल फुलेरा के दामाद जी बन हर घर में मशहूर होने वाले एक्टर का नाम आसिफ खान है। 33 साल के आसिफ खान को काफी लोग मिर्जापुर के बाबर, पगलेट के परचून और अब पंचायत के जीजा गणेश के किरदार से जानते हैं। वहीं एक वक्त पर पैसे कमाने और मुंबई में टिके रहने के लिए आसिफ ने एक होटल में वेटर का काम करना भी शुरू कर दिया था। तो वो उस पार्टी में भी वेटर बने थे जो कि सैफ अली खान और करीना कपूर का वेडिंग रिसेप्शन था। बता दें कि आसिफ वेब सीरीज पंचायत से पहले भी कई हिट सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर रोल में दर्शकों का दिल जीता है। हैरानी की बात तो ये है कि आसिफ एक छोटे से गांव से निकलकर आए हैं। एक वक्त पर पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने वाले आसिफ के लिए सुपरस्टार से भरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। तो मुंबई आकर एक्टर बनना भी उनके लिए बेहद मुश्किल भरा रहा था। थिएटर करने के साथ साथ वो ऑडिशन देने जाते थे पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। उनके पिता की मौत भी उनके बचपन में ही हो गई थी। उनके पिता एक सीमेंट कंपनी में काम किया करते थे। एक्टर बनने की चाहत में और अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने कुछ समय तक एक मॉल में भी काम किया। तो अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता का स्वाद भी चखा। सलमान खान सारा रेड्डी और ऋतिक रोशन की अग्निपथ में वो जूनियर आर्टिस्ट रहे। तो साल 2018 में आई अनुराग कश्यप की वेब सीरीज मिर्जापुर ने उन्हें स्टार बना दिया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आसिफ ने साबित किया है कि रोल छोटा हो या बड़ा, बस आपकी एक्टिंग में दम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।